अनाज मंडी में किसानों का सोना आने के बाद लगातार गेहूं के अंबार लगे हैं, जिसका कारण आढ़ती एसोसिएशन की हड़ताल है। आपको बता दें कि सरकार की नीतियों से पिछली बकाया पेमेंट का भुगतान ना होने से नाराज आढ़तियों ने किसानों की फसल खरीदने, तुलाई व ढुलाई से इनकार कर दिया है। लेकिन किसान लगातार अपनी फसलों को लेकर मंडियों में आ रहे हैं, जिससे मंडियों में गेहूं के भंडार लग गए हैं। किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार के निर्देश पर पानीपत उपायुक्त ने खाद्य आपूर्ति विभाग के सहयोग से अब डिपो धारकों को गेहूं खरीद के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए हैं, ताकि समय पर किसानों की फसल खरीदी जा सके। जिसके चलते पानीपत के डिपो संचालकों के कागजात व लाइसेंस फीस मार्केट कमेटी में जमा किए गए हैं। वहीं डिपो संचालकों ने सरकार से इसके समाधान की अपील करते हुए कहा कि वह सरकार के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन वह भी किसान के बेटे हैं और वह भी यही चाहेंगे कि आढ़ती और किसान के संबंध बने रहे। वही किसानों ने अपनी फसल डिपो धारकों को बेचने से इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि वह अपनी फसल आढ़तियों के माध्यम से ही बेचेंगे। इस बारे में एसडीएम पानीपत ने कहा कि किसानों की फसल खरीदने के लिए उपायुक्त के निर्देश पर डिपो होल्डरों को अस्थायी लाइसेंस दिए गए हैं। किसानों को किसी प्रकार की समस्या न आए, इसके लिए अनाज मंडी में अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। पहले मीटिंग ली थी हमारे जो अफसर हैं डीएफएससी साहब जी, तो उन्होंने बताया था भाई आने वाले टाइम में आढ़ती जो हैं और किसान हैं वो हड़ताल करने वाले हैं, इसीलिए सरकार एक ना विकल्प के रूप में हमारे को देख रही डिपो होल्डरों को। तो आज हम आए थे, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने जमा करवा दिए हैं, कह रहे हैं शाम तक या दोपहर तक तुम्हारे जो लाइसेंस है जो बना दिए जाएंगे। तो हमारे अफसरों के जो आदेश थे हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। सब भाई आए हैं, सब ने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। बाकी हम तो ये चाहते हैं भाई किसानों के और जो आढ़तियों के बीच में जो ये सरकार के बीच में जो गतिरोध चल रहा है ये अगर समाप्त हो जाए तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। हम भी एक किसान परिवार से हैं, हम ये चाहेंगे भाई गतिरोध जल्दी ही बंद हो जाए, अच्छा रहेगा। वैसे डिपो होल्डर को इसमें कोई अपना कोई लालच नहीं है, सरकार के जो आदेश हैं हम उसके उसकी पालना कर रहे हैं। पहले भी काम करते आए हैं और आगे भी काम करने के लिए हम तैयार हैं। लंबी अनिश्चितकाल जो हड़ताल चलती है ऐसा है, हमारे को ना 3 महीने के लिए लाइसेंस दिया सरकार ने। अच्छा, उसकी फीस ले ली है, उसमें सिक्योरिटी है और 3,000 के करीब सिक्योरिटी है और वो जो फंड मिलेगी जगह मिलेगी उसका किराया है और वो जो 150 रुपये वो फीस के लिए है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमने दे दी हैं आज। अब देखते हैं, हम तो ये चाहते हैं सरकार के बीच जो गतिरोध चल रहा है समाप्त हो जाए तो अच्छा रहेगा, उसमें सब बिका भला है। किन मांगों को लेकर के आपने की है और इसका कहाँ तक जाने वाला है, जबकि किसान लगातार अब मंडी बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। हमारी जो डिमांड थी गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, बातें हुई थी हमारी, मेन सी बातें थी 3-4, वो तो कुछ उन्होंने जो छोटी मांगे थी वो तो मान ली थी, लगभग मार्के की थी जैसे वो मान ली थी। ब्याज के बारे में बोल दिया था ठीक है आपका ब्याज भी दे देंगे, उसके लिए शायद बता रहे हैं कि कुछ ऑर्डर पास हुआ, डी साहब आए थे और डी साहब से हमने बात करी थी तो बोले कि वो तो आपका ऑर्डर पास हो गया है तो आपके वो पेमेंट अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और एक हमारा था जैसे धान की FCI ने माल खरीदा था तो उसकी जो मजदूरी वगैरह थी वो बची हुई थी, 2-4 और मांगे थी कुछ छोटी छोटी, वो तो मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे बैठ के कर ही दी थी। लेकिन एक मांग थी कि जो पेमेंटें किसानों के खाते में जा रही हैं उसमें पिछली जो साल मीटिंग हुई थी उसमें CM साहब ने भी बोला था कि आपकी जो ये कि एक डिमांड है ठीक है उसमें एक ऑप्शन डाल देते हैं कि किसान खुद लेना चाहता है या आढ़ती के थ्रू लेना चाहता है। उस बात पे सभी की सहमति हो गई थी, सरकार की भी हो गई थी, सरकार की भी सहमति हो गई थी, हमारी भी हो गई थी। तो इस साल आते आते क्या हुआ कि सरकार ने ये बातें रखी भी नहीं, पेमेंटें हम आपकी आपके अकाउंट में नहीं देंगे, पेमेंटें डायरेक्ट किसानों के खाते में जाएगी, मैंडेटरी कर दी किसानों को। जी 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 जी, वो हमारी ये डिमांड थी कि सर आपने जब ये बातें बोली थी पीछे कि आप इस चीज़ को सरकार उसी चीज़ को लागू करे, बार बार हर साल एक नई चीज़ें खड़ी हो जाना तो उसमें दिक्कतें किसानों को भी हैं, दिक्कतें हमारे को भी हैं। अब ये बड़ी समस्या खड़ी होगी, मंडियाँ मर गई, अब इनका माल उठना, मौसम ख़राब हो जाए तो नुकसान किसान का ही होगा। तो ये चीज़ें हैं, इस पे गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए कि जो चीज़ें आपने एक साल बोल दी तो नेक्स्ट क्यों उठा रहे हैं उस बात। तो मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि मीटिंग में, जैसे हमने हमारी तरफ से मंडी की तरफ से भी प्रधान गए थे मीटिंग में, वो जैसे हमने फिर मीडिया के द्वारा पता लगा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बारे में मैं FCI से बात करूँगा और आपको 1-2 दिन में कोई अच्छा सा आश्वासन दूँगा। तो उसका कोई अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया नहीं, तो यही हमारी मेन डिमांड थी कि गवर्नमेंट उसके बारे में हमारे को सोचे, हमारे काम के बारे में भी सोचे, क्योंकि हम इस सरकार का तो हिस्सा है।
हम सरकार ने लाइसेंस दे रखे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, उनके सारे यहाँ बैठे हैं, दुकानें ले रखी हैं, दुकानें काट रखी हैं उन्होंने यहाँ पे सब कुछ इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर रखा है, तो यहाँ पे अगर फीसें देते हैं सब कुछ देते हैं। अच्छा नहीं मानते तो फिर आपकी हड़ताल जो है वो क्या रूप है, क्या आगे की रणनीति है? दिक्कत ये है सर कि इसमें ये काम इस लेवल पर चला जाएगा कि हमने फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा काम में। देखो जहाँ हमने हर साल दिक्कतें आ रही हैं कि हम हमारी जो 2.5% की एक मजदूरी है वो भी हमारे को समय पे नहीं मिल पाती। अब लेबर हैं, जैसे अब जब ये लेबर आई है, अब लेबर को एडवांस दे के लेबर बुलाते हैं हम, इनको 15-20 दिन का सारा सीजन है, ये पेमेंट का पीने का हर चीज़ चाहती है। हमारी ये जो पेमेंटें हैं अभी मान लो कि एक कट्टे पे कितना है, 10-12 रुपये का तो खर्चा आता ही है एक लेबर का। ये सारा पैसा हम एडवांस में दे या इनका हिसाब कर देते हैं जब ये जाते हैं। हमारा ये पैसा 2.5% की जो हमारी आड़त देते हैं, ये 3 महीने में दो महीने में दो, 5 महीने में दो, वो इनके ऊपर सरकार के ऊपर डिपेंड, ये पैसा तब आता है हमारा। अब देखो ना, अगर किसी भी आड़ती का जिस प्रकार का काम है, अभी किसी ने 1,00,000 रुपये देने, 2,00,000 रुपये देने, 3,00,000 रुपये की व्यवस्था करके इनको इस लेबर को फारिग करते हैं यहाँ से। अब सरकार ने पैरलर शुरू कर दिया है, जो डिपो धारक हैं उनका आज रजिस्ट्रेशन कराया है और उनको लाइसेंस इशू किया जा रहा है नए आड़ती के तौर पर। इससे आपकी हड़ताल को भी कमजोर बनाने के लिए सर? नहीं, उसमें गवर्नमेंट अगर करवाना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को भी मालूम है और उनको भी पता है ये कोई छोटा काम नहीं है। कि अब इस मंडी के अंदर हम 200 आड़ती बैठे हैं, आप मान के चलो यहाँ पे 1,000-1,500 लेबर बैठी है। अरे जब उनसे काम ये एक महीने में जाके ख़त्म होगा तो इनसे तो 10 साल में ख़त्म होगा साहब। कहाँ है लेबर, कितनी लेबर के अरेंज कर लेंगे वो बेचारे? अगर 2-3 चलो आ जाओ, वो हमारे साथी हैं, बैठो कोई दिक्कत नहीं, काम करो, देखो ना करके ये काम इतना ईजी नहीं, कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, लेबर फ्री थोड़ा आती है। अगर आते हैं तो स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।